माय फर्स्ट व्लॉग बनाने वाले जितने भी क्रिएटर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका चैनल खतरे में है। आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, साथ ही साथ आपका चैनल डिलीट हो सकता है। कंपनीज आपके ऊपर निगाहें बना के टूटी हुई है। बिल्कुल एकदम आपने गलती करी, आपका चैनल गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही गलती सुधारनी है। और इस गलती को नहीं सुना, वीडियो को छोड़ के चले गए, तो आने वाले फ्यूचर में भाई आपके साथ भी ये हो सकता है, आपका चैनल डिलीट हो सकता है। तो इस वीडियो से सबक लेना है और सीखना है कौन सी वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्रिएटर्स के साथ ऐसा हो रहा है। कई सारे लोगों का माय फर्स्ट व्लॉग वायरल हो रहा है, वायरल होने के साथ साथ उनकी वीडियो भी रिमूव हो जा रही है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सी वो गलती कर रहे हैं? सुनिए गाइस, कान खोलकर आप ध्यान से सुनिएगा। माय फर्स्ट व्लॉग आप लोग बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपकी माय फर्स्ट व्लॉग वायरल भी हो रही है, वायरल नहीं भी हो रही है कई सारे लोगों की। अब ऐसे में गाइस हो क्या रहा है, माय फर्स्ट व्लॉग एंगेजिंग बनाने के चक्कर में आप लोग एक गलती कर रहे हो, वो सबसे बड़ी गलती है। गलती क्या है, आप लोग गाइस म्यूजिक को यूज कर रहे हो, ठीक है? आपको क्या पता है क्या वो म्यूजिक कॉपीराइट फ्री है? आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पर जाने के बाद सर्च कर दिया कोई भी म्यूजिक का नेम, आपने वो म्यूजिक ले लिया, आपने कहा जब होगा देखा जाएगा। अब वो होगा देखा जाएगा आपको इतना महंगा पड़ेगा बाद में कि कुछ कहने की नहीं। अब बबलू बन्ना ब्लॉग का आपने देखा होगा, एक वीडियो इनकी क्या कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई। किसके द्वारा? म्यूजिक नोवा के द्वारा। आप देख सकते हो कम्युनिटी पे एक वीडियो के लिंक है, क्लिक करेंगे वो वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। अब कई सारे लोगों का गाइस हो क्या रहा है, आप लोग कॉपीराइट फ्री म्यूजिक नहीं ले रहे हो, कॉपीराइट वाले ले रहे हो, ठीक है? आपको हमेशा म्यूजिक, मैंने हमेशा कहा है, आपको म्यूजिक कहां से लेना है, एनसीएस से लेना है, जिसके 32 मिलियन सब्सक्राइबर्स है वहां से आपको म्यूजिक लेना है। और उसको क्रेडिट अपनी वीडियो में जरूर दो, हालांकि क्रेडिट देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपनी वीडियो में क्रेडिट दो और तभी माय फर्स्ट व्लॉग में वो सॉन्ग यूज करो, तभी आपको चैनल खतरा फ्री हो जाएगा, यानी कि टेंशन फ्री हो जाएगा। आप उस पर वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, कॉपीराइट का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लोग कॉपीराइट वाले म्यूजिक ले लेते हो, यार कई सारे एनसीएस के फेक चैनल्स खुले हुए जो म्यूजिक प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कॉपीराइट वाले होते, आपकी वीडियो पर कॉपीराइट वही देते। जब आपकी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाती है ना, अच्छा खासा पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है ना आपकी वीडियो की, तो वही आपके पीछे लग जाएंगे और वो देखेंगे इसने अपनी वीडियो में मेरा साउंड यूज किया है, वो आपको कॉपीराइट दे देंगे, आपका चैनल ठप करा देंगे, आपका चैनल डिलीट करवा देंगे। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी माय फर्स्ट व्लॉग वाले वीडियोस बना रहे हो, उसमें कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का यूज करिए, कॉपीराइट फ्री साउंड का यूज करिए, कहीं से भी म्यूजिक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और बहुत सारे ऐसे चैनल्स खुले हुए जो आपको फेक म्यूजिक प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कॉपीराइट वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग देख तो लेते हो, ले लेते हो, भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अरे अच्छा लग रहा है के चक्कर में ये भी तो देखो कि वो कॉपीराइट वाला सॉन्ग है, कॉपीराइट फ्री नहीं है वो, ये भी तो देखो यार, ये भी तो देखनी पड़ेगी। तो भाई ऐसे कंडीशंस में आपको स्टेबल रहना है, अच्छी तरीके से वहां पर जांच पड़ताल करके ही सॉन्ग लेना है, तब आपको अपनी वीडियो को माय फर्स्ट व्लॉग को और ज्यादा एंगेजिंग बनाना है, ठीक है? तो उम्मीद है गाइस आप लोग सुधरोगे और इस चीज को अब गलतियां नहीं करोगे। जितने भी माय फर्स्ट व्लॉग, देखो अभी तो ट्रेंड चल रहा है, अभी जितनी माय फर्स्ट व्लॉग बनी है ऐसे आने वाले टाइम में और भी माय फर्स्ट व्लॉग बनेगी, लेकिन ऐसे में आपको म्यूजिक वही लेना है जो कॉपीराइट फ्री है। चले गाइस, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे, नॉलेज मिला होगा। मिलता हूँ ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।